हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। तो देखिए व्यूअर्स, ये आपका सेंटर लाइन डायग्राम है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंटर लाइन डायग्राम किस तरह से किया जाता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड मैं फ़िलहाल हूँ दौलताबाद में, इट्स अराउंड 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई सिटी। तो एक दिन का साइट सुपरविजन के लिए यहाँ पे आया था मैं, और पूरा अंडर माई गाइडेंस, जैसे कि किस तरह से फुटिंग लिया जाना है वो सब पूरा, लाइक साइट वर्क हो गया। लाइफ में कुछ बनना है तो मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको इसका सेंटर लाइन किस तरह से बनाया वो आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट आपको प्लान दिखा दूँगा। प्लान इस तरह से है, ओके। प्लान गिवन बाय वॉइस कंस्ट्रक्शन फ्रॉम हैदराबाद, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली। और ये इस तरह का ये प्लान है। प्लान में क्या है, कॉलम्स, इतने कॉलम्स हैं, इतने सारे कॉलम, जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड फाइव फोर से 20 बीस कॉलम से कुल मिलाकर टोटल। और ये इसका स्ट्रक्चरल प्लान है, सेम इसी, ये है प्लान उसका, ओके। जैसे यहाँ से एंट्रेंस है, पूरे एक बड़ा सा ओपन हॉल, यहाँ पे बीच में गॉड प्रपोज, और इधर स्टेरकेस है, यहाँ पे हैंड वॉश, और इधर टॉयलेट रूम सारा है। तो इट्स डिज़ाइन ऑफ मस्जिद, आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया जाता है। और कॉलम्स क्या है, 9x15 इंच का है, 9x12 का है, यहाँ पे 9x12 का, यहाँ पे जो 9x15 इंच का कॉलम सेंटर टू सेंटर कितना लिया गया वो आपको मैं बता दूँगा। तो देखिए जैसे अभी वर्क हो रहा है, ये इधर खींचो, हाँ सेंटर पे पकड़ खींचो, और ज़रा और थोड़ा खींचो, बस एक मिनट, वहाँ से देख तुम, वहाँ से देखते। तो ये कॉर्नर कॉलम है, इसलिए दोनों तरफ से कंपलसरी देख लें, तभी आपको मालूम हो जाएगा। ये देखिए, अभी मैं बता दूँगा आपको, ड्यू टू लूज सॉइल मिट्टी लूज सॉइल की वजह से वो मिट्टी गिर रहा समझो। चलो बराबर है, एक मिनट, छोड़ थोड़ा लेते क्या, हाँ 15 है, 15 9। तो देखिए वर्स, इस तरह से सेंटर लाइन डायग्राम, जितना भी ये डाल दिया है ना, सेंटर लाइन डायग्राम सेंटर टू सेंटर डाला गया, ओके। ये बांधे गए, एक्चुअली जब भी आप प्लान ये सेंटर मार डालना है ना, कॉलम को बिठाना है, तो जितना हो सके उतना कोशिश करिए मिट्टी बाहर रहना चाहिए, कंपलसरी ये बाहर। अगर यहाँ पे देख, बहुत सारी गलतियाँ मेरे को मालूम है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो, वो ऐसा हो गया टेढ़ा, आधा टेढ़ा, इधर मिट्टी को लग रहा, उधर लग रहा, इस तरह का। मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भी बहुत थक गया हूँ। सुबह 6 बजे से निकला हूँ घर से, फिर अभी शाम के 6 बज रहा है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और अगर इसका पूरा फुल प्लानिंग मेरे पास रहता तो मैं कर सकता था कुछ तो कुछ, मगर मेरा सुता पावर नहीं है, आई एम जस्ट वन डे विजिट। और पैर रखो, ओके। सेंटर लाइन डायग्राम इस तरह से मैं बताऊंगा आपको। ये इसका प्लान है, इधर रोड है, रोड के सामने थोड़ा सा एम्प्टी जगह रखा गया, बाइक व्हीकल पार्किंग वो सब रहता। यहाँ से एंटर हो, एंटर होते इतना बड़ा सा मस्जिद, इतना बड़ा सा, इसके अंदर 1 2 3 4 एक कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या टॉयलेट रूम्स आ रहे हैं, बाथरूम्स, हैंड वॉश, और ये स्टेयरकेस आ रहा है, ओके। ये इस तरह का प्लान है, एक सिंपल सा प्लान। और उसका सेंटर लाइन डायग्राम, जैसे कि ये कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम्स, कॉलम टू कॉलम, इसके अंदर C1 C2 C3 है, सब तरह का कॉलम्स है, C1 C2 C3 C4 C5 C5 तक है। C5 का कॉलम का साइजेस अलग अलग है, सबका अलग अलग साइजेस, जैसे कि ये वाला कॉलम का साइज़ अलग है, जैसा C1 का कॉलम का साइज़ 9x15 इंच है, C2 9x15 इंच, पर अंदर रॉड अलग अलग है। यहाँ पे 6 क्या है, 12 mm का है, यहाँ पे 8 12 mm का है। C3 में 9x15 का है, इसमें 12 6 का है, 12 2 क्या है, 16 का है, एंड 6 जो है 12 का है, ऐसे दो बीच में लिया गया। यहाँ पे 4 जो है 16 का है, 4 12 का है C4 में, C5 में इस तरह के डिफरेंट कॉलम। तो क्या करें, एंड पॉइंट हमको फर्स्ट एंड पॉइंट रहना, ये सेंटर टू सेंटर, ये आउटर टू आउटर फेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह से पूरा कंप्लीट किया गया।
और आप लोग इतना डिटेल्स और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है पूरा कंप्लीट। ये फुटिंग का प्लान है, ये इसका मस्जिद का पूरा ड्राइंग है, और ये फ्लश लाइन कहते क्या कि कॉलम प्लान है ये, और नीचे बेड स्लोप स्लोप आ रहा है, स्लोप इस तरह से इसका यहाँ पे डिटेल्स इस तरह पे। तो ऐसा, और गड्ढा कितना खोद दिया मैं बता दूंगा आपको। देखिए गड्ढा क्या है, करीब ऐसा 5x5 में एक्सकेवेटर, सॉरी 5.5-6 फीट, सभी का अलग अलग फुटिंग डिज़ाइन है, फाउंडेशन के लिए अलग अलग है। डीप इधर यहाँ पे नरम है, तो करीब 7 फीट तक नीचे चलेगा, 7.5-7 फीट तक, सेम उसी तरह। और अगर आपको देखे तो ये लग रहा है कि बहुत सारे मिट्टी वैसा पड़ा, इसे हम कुछ नहीं कर सकते, बाद में हम इसे निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल कॉलम का पोजीशन हर जगह हो गया, कॉलम का फेसेस इंपॉर्टेंट, वो कॉर्नर वाला कॉलम है ना, इधर 15 इंच ऐसा 9 इंच है, और ये इधर 15 इंच ऐसा 15 ऐसा 9 है, इस तरह का सभी का एक एक अलग अलग प्लेसिंग किया गया। ओके व्यूअर्स, इस तरह से हो, एक बार गुंडो छोड़ कर चक करते क्या बोल रहे हो, चुप। हाँ एक बार आप भी नज़र डाल दो, देखो नज़र डाल दो कुछ। यहाँ एक कॉलम चेक करो, बोलो उनको गुंडो दाल को, ये वाला इस तरह का। और लास्ट में अंत में क्या है, चेक कर लेना चाहिए कंपलसरी, कॉलम का फेसेस करेक्ट बैठे हैं नहीं अकॉर्डिंग टू पटोरी के हिसाब से, कंपलसरी चेक कर लेना। और मिस्टेक्स मैं बता दूंगा कुछ भी रहा। ये इसके और इसके बीच में जो गैप दिख रहा है ना, वो जितना हो सके उतना अवॉइड कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए पूरे एग्जैक्ट इसको टच रहने जैसा। और ये जो रहता है ना कुछ भी लाइक, ये देखिए इस तरह से पूरा सीधा, जितना हो सके कुत्तों को बिल्ली बकरियाँ अवॉइड करना चाहिए, उनको अलाउ नहीं करना, उनको अलाउ कर दिया तो हो गया आपका काम बिगड़ गया, समझ जाना। जरा गुंडो छोड़ को सभी एक बार चेक कर लो, लास्ट फाइनल ये खाली एक बार गुंडो छोड़ दो, चेक करते जाओ पूरा। हाँ ये दो तीन, एक करो हाँ कर एक करो। सीधा है गलत है मालूम होना ना, फिर ये कैसे ठहर कर तुम लोग एक बार ठहर के मैं बताओ। नहीं नहीं बराबर है, एक बार लूज है तो लास्ट में फाइनल एक बार गुंडू छोड़ कर आप लोग कंपलसरी चेक कर लेना जाते हो घर जाने से पहले। यहाँ चाहिए तीन दिन बार चेक करें एक एक बार में, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जी, उधर है चुप हूँ खाली। हाँ ये आ रहा नहीं, बस एक्यूरेट नहीं होना मेरे को, फेस होना बस आ रहा, वो है फेस का बराबर ही ऑलरेडी है साहब। वो एक डाउट, वो एक देखो वो वाला एक बार एक देख लिया तो बस इस तरह का वो लो जाए देख के है, है पूरा है। क्यों बोले तो ये कॉलम जो है ना, इधर आना देखो हमारे को, ये कॉलम इधर आना हमारे को, आ रहा नहीं आ रहा बराबर है, हाँ बराबर है ना, आता था ठीक है इतना बड़े हुआ ना। और सेंटरिंग का वर्क चाहिए तो आप इन्हें कांटेक्ट कर लीजिए, डेफिनेटली हैदराबाद से इनका सर्विस है। मोबाइल नंबर बताइए जफर भाई। 8801-888-655। दोबारा बताइए। 8801-888-655। ओके शुक्रिया, ले लेंगे अपन। हाँ थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।